हेलो दोस्तों, हेलो हेलो, आप सब लोगों को फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। तो दोस्तों, आप सब लोगों को याद होगा पिछले वीडियो में हमने बहुत ज़्यादा गाय लोगों को पाला था, लेकिन अभी आप देख सकते हो एक भी गाय आप लोगों को नज़र नहीं आ रहा होगा। इधर क्या हुआ मेरे को भी पता नहीं चला, मतलब एक भी गाय आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा मेरे को भी, मतलब मैंने भी देख कर इधर क्या हो गया ऐसा मेरे को भी पता नहीं चल रहा, मतलब मर गया या क्या हो गया। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में क्या है ना, हमने बहुत ज़्यादा गाय लोगों को मारा और हमको बहुत ज़्यादा लेदर भी मिल चुका था, मतलब बुकशेल बनाने के लिए जो भी ज़रूरी सामान है उन सारे सामान को हमने कलेक्ट कर लिया था। लेकिन आप जैसे कि इधर देख सकते हो, इधर क्रीपर मेरे पीछे पड़ गया। अभी मैं सबसे पहले भागने वाला हूँ, क्योंकि वो अगर आपके पास आएगा तो बहुत जोर तरीके से पड़ेगा और आप मर भी सकते हो, और मेरे पास 13 लेवल से मैं ये खोना नहीं चाहता हूँ। तो दोस्तों, बुकशेल बनाने के लिए जो भी ज़रूरी सामान है उन सारे सामान को हमने कलेक्ट कर लिया था। तो अभी क्या ना, आज का वीडियो में हम बुकशेल बनाएंगे और उसके बाद हमारे जो एंचेंटमेंट टेबल है उसके पास पूरी तरीके से लगाएंगे, और हमारा जो पिकेक्स है उसको, मतलब डायमंड पिकेक्स जो है ना, उसको फॉर्च्यून 3 का एंचेंटमेंट भी लगाएंगे दोस्तों। और दोस्तों, आप सब लोगों को याद होगा हमने डायमंड्स को भी फाइंड करके रखे, मतलब डायमंड ओर को भी फाइंड करके रखे, ताकि उसको जब हम फॉर्च्यून 3 पिकेक्स बनाएंगे उसके बाद उसको तोड़ने के लिए। तो अभी ये फिर से मेरे पीछे पड़ गया दोस्तों, जैसे कि आप इधर देख सकते हो ये क्रीपर मेरे पीछे ही पड़ जा रहा है। सबसे पहले मैं उससे बचता हूँ। अभी क्या ना, बारिश हो रहा है इसीलिए आराम से घूम फिर रहा है, अगर सुबह होता तो मतलब ये नहीं घूम पाता। तो दोस्तों, आज का वीडियो में हम फॉर्च्यून 3 का पिकेक्स भी बनाएंगे और उसको टेस्ट भी करेंगे, मतलब वो कितना डायमंड्स देता है, मतलब एक डायमंड ओर को तोड़ने में। तो आज का वीडियो जो है काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो चलिए जल्दी से जल्दी वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप इधर देख सकते हो, इधर आप लोगों को एक भी गाय जो है नजर नहीं आ रहा। इधर क्या हुआ मेरे को भी पता नहीं चला, मतलब मैंने तो इन लोगों को नहीं मारा था, ये अपने आप ही मर गए या क्या हुआ मेरे को भी पता नहीं चल रहा, तो इसको बाद में बात करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप इधर देख सकते हो, हमारा जो शुगर कैन है वो लगभग पूरी तरीके से उग चुका है। अभी इधर से जितना भी शुगर कैन मिलता है उन सारे शुगर कैन को अब कलेक्ट करने वाला हूँ मैं। तो दोस्तों, इधर से जितना भी शुगर कैन मिला उन सारे शुगर कैन को मैंने कलेक्ट कर लिया, जैसे कि आप इधर देख सकते हो। तो दोस्तों, मेरे हिसाब से ये जो शुगर कैन हमको मिला, ये शुगर कैन मतलब काफ़ी है, इससे काम बन जाएगा, हमारा जो बुकशेल बनाना है उसका काम बन जाएगा। तो दोस्तों, जैसे कि आप इधर देख सकते हो, इधर मैंने घर पर आ गया। अभी मैं जल्दी से जल्दी बुकशेल जो है बनाने वाला हूँ। तो बुकशेल बनाने के लिए हमको सबसे पहले पेपर बनाना पड़ेगा, तो 48 पेपर्स जो बनते हैं, तो 48 पेपर्स हम बना लेते हैं। अभी जल्दी से जल्दी जितना भी मतलब पेपर्स जो बनते हैं उन सारे पेपर्स को बना देते हैं, और उसके बाद बुकशेल्फ जो बनाना पड़ेगा, मतलब बुक्स बनाना पड़ेगा, उसके बाद ही बुकशेल्फ जो बना सकते हैं दोस्तों। तो जैसे कि आप इधर देख सकते हो, पूरे के पूरे मतलब हमारे पास जितना भी शुगर कैन थे उन सारे शुगर कैन को हमने पेपर से कन्वर्ट कर दिया, एक टाइप का पेपर्स बना लिया। तो अभी हमको बनाना पड़ेगा, अभी सिर्फ और सिर्फ 2 ही शुगर कैन हमारे पास बचे हैं, तो उसको ऐसे रहने देते हैं, मतलब इसको अंदर रख देता हूँ सबसे पहले। और हमको लेदर चाहिए होगा, तो अभी इधर से मैंने लेदर भी ले लिया दोस्तों। अभी मैं बुक बना पाऊंगा, क्योंकि लेदर का भी ज़रूरत है बुक बनाने के लिए। तो सबसे पहले मैं इधर बुक बना लेता हूँ। तो दोस्तों, जैसे कि आप इधर देख सकते हो, पूरे के पूरे हम 48 बुक्स बना सकते हैं, लेकिन हमको सिर्फ और सिर्फ 45 का ही बुक्स चाहिए। तो 45 बुक्स हम बना लेते हैं, मतलब इससे ज़्यादा बुक्स का हमको अभी ज़रूरत नहीं है। उसके बाद में हम फिर से एंचेंटमेंट वगैरह करेंगे, तो उसके बाद हमको ज़रूरत पड़ेगा। तो अभी के लिए 45 बुक्स जो है हम कलेक्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप इधर देख सकते हो, पूरे के पूरे मैंने 45 बुक्स जो है बना लिया। अभी मेरे को बुकशेल्फ बनाना है सिर्फ और सिर्फ। तो दोस्तों, अभी मैं लेदर को सबसे पहले अंदर रख देता हूँ, मतलब मेरा जो डब्बा है इसके पास उसके अंदर रख देता हूँ, और इस शुगर कैन को भी अंदर रख देता हूँ, जैसे कि आप इधर देख सकते हो। तो दोस्तों, जैसे कि आप इधर देख सकते हो, इधर सिर्फ और सिर्फ मैं 3 ही बुकशेल्फ बना रहा हूँ, क्योंकि शायद मेरे पास प्लैंक्स नहीं है। तो सबसे पहले मेरे को प्लैंक्स बनाना पड़ेगा। अभी जितना हो सकता है उतना ज़्यादा प्लैंक्स जो है मैंने अभी बना लेता हूँ। अभी आप देख सकते हो, पूरे के पूरे मैंने प्लैंक्स बना लिया, लेकिन अभी भी 9 बुकशेल्फ ही मेरे को मिल रहा है। अभी मेरे को और ज़्यादा प्लैंक्स का बनाने का ज़रूरत है, तो जितना बनता है उतना सारे को मतलब प्लैंक्स जो है बना लेते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप इधर देख सकते हो, पूरे के पूरे मैंने बहुत ज़्यादा प्लैंक्स को बना लिया। अभी सिर्फ और सिर्फ हम लोग को 15 बुकशेल्फ चाहिए, तो 15 बुकशेल्फ जो है, जैसे कि आप इधर देख सकते हो, पूरी तरीके से हमने 15 बुकशेल्फ बना लिया। अभी सिर्फ और सिर्फ हमारा जो एंचेंटमेंट टेबल है उसके पास जाना है, और उस एंचेंटमेंट टेबल के पास लगा देना है, और उसके बाद हमारा जो डायमंड पिकेक्स है उसको फॉर्च्यून 3 का एंचेंटमेंट लग जाएगा। लेकिन दोस्तों, जैसे कि आप इधर देख सकते हो, इधर अभी रात हो रहा है, तो जल्दी से जल्दी मैं सो जाऊंगा, उसके बाद सुबह जो है उधर जाऊंगा दोस्तों, मतलब उधर हमारा जो बेस है उसके पास जाएंगे। तो दोस्तों, जैसे कि आप इधर देख सकते हो, मैं सोकर उठ चुका। अभी जल्दी से जल्दी मेरा जो बेस है उसके पास जाना पड़ेगा, क्योंकि उधर ही मैंने एंचेंटमेंट टेबल बना कर रखा था, तो उधर ही मेरा जो एंचेंटमेंट टेबल है मैं उधर ही बनाने वाला हूँ। तो दोस्तों, जैसे कि आप इधर देख सकते हो, मैं अपने एंचेंटमेंट टेबल के पास पहुँच गया। अभी क्या ना, छोटा सा गड़बड़ हो गया, वो क्या ना, इधर मेरे को पूरी तरीके से बुकशेल्फ लगाना पड़ेगा, मतलब जो एंचेंटमेंट टेबल है उसके पास पूरी तरीके से बुकशेल्फ लगाना पड़ेगा, उसके बाद ही उसको क्या ना ज़्यादा पावर मिलेगा, और उसके बाद ही हमको फॉर्च्यून 3 पिकेक्स देगा। अभी क्या ना, इधर उतना जगह नहीं है, अभी मेरे को जगह बनाना पड़ेगा सबसे पहले।
तो सबसे पहले मेरा जो बेस है इसको बड़ा करना पड़ेगा, उसके बाद ही मेरा जो एंजॉयमेंट टेबल है उसके पास मैं पूरी तरीके से बुकशेल्फ लगा पाऊंगा। तो दोस्तों जैसे कि आप इधर देख सकते हो, इधर पूरी तरीके से मैंने एक हॉल बना लिया है। अभी सिर्फ और सिर्फ मेरा जो एंजॉयमेंट टेबल है उसको इधर रखना है और उसके पास पूरी तरीके से बुकशेल्फ जो है रखना पड़ेगा, उसके बाद हमको मिल जाएगा फॉर्च्यून 3 पिकैक्स। तो अभी मैं जल्दी से जल्दी मेरा जो डायमंड पिकैक्स है उसको लेने वाला हूँ, और उसको लेकर सबसे पहले मेरे को इस एंजॉयमेंट टेबल जो है ना इसको तोड़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले मेरे को इसको तोड़ना पड़ेगा, तो सबसे पहले मैं इसको तोड़ दूंगा। जैसे कि अभी देख सकते हो मैंने इसको तोड़ दिया। अभी मेरे को इसको क्या ना सिर्फ बीच में रखना पड़ेगा। अभी आप देख सकते हो एंजॉयमेंट टेबल मेरे पास आ गया। अभी मैं क्या ना इसका बीच में रखना पड़ेगा, तभी मैं इसके पास पूरी तरीके से बुकशेल्फ लगाना पड़ेगा। तो देख सकते हो मेरे पास मैंने अभी इस एंजॉयमेंट टेबल को तो लगा दिया, अभी मेरे को इस तरीके से बुकशेल्फ लगाना पड़ेगा। मतलब एक ब्लॉक छोड़कर मेरे को पूरी तरीके से इसके पास बुकशेल्फ लगाना पड़ेगा। जैसे कि आप इधर देख सकते हो कुछ इस तरीके से बुकशेल्फ जो है लगाना पड़ेगा, तभी ये क्या ना बहुत ज़्यादा पावरफुल होगा और उसके बाद हमारा जो डायमंड पिकेक्स है उसको फॉर्च्यून 3 पिकेक्स का एंजॉयमेंट देगा, जैसे कि आप इधर देख सकते हो। तो दोस्तों अभी मैंने पूरी तरीके से 15 बुकशेल्फ जो है इसके पास लगा दिया, और आप जैसे कि इधर देख सकते हो ये चालू भी हो गया, अभी ये वर्क करने भी लगा है दोस्तों, जैसे कि आप इधर देख सकते हो। तो दोस्तों अभी ये वर्क करने लगा, तो जल्दी से जल्दी मैं अपना जो डायमंड पिकेक्स है उसको एंजॉयमेंट कर लेता हूँ। तो जैसे कि देखते तो दोस्तों जैसे कि आप इधर देख सकते हो ये हमको एफिशिएंसी 4 दे रहा है, लेकिन हमको फॉर्च्यून 3 का पिकेक्स चाहिए, तो ये सिर्फ और सिर्फ एफिशिएंसी 4 दे रहा है दोस्तों, तो ये तो बेकार डील है। तो हमको लेकिन फॉर्च्यून 3 पिकेक्स चाहिए, लेकिन मेरे पास एक आइडिया है। अभी क्या ना मैं अपना जो आयरन पिकेक्स है उसको एंजॉयमेंट करूँगा, ताकि मतलब उसमें क्या ना ये चेंज हो जाएगा। तो दोस्तों मेरे पास एक आइडिया, वो आइडिया क्या है ना, मैं सबसे पहले आयरन पिकेक्स बनाऊंगा और आयरन पिकेक्स बनाने के बाद उसको एंजॉयमेंट कर दूंगा, उसमें क्या ना ये चेंज हो जाएगा, उसके बाद हाँ हो सकता है हमको फॉर्च्यून 3 का एंजॉयमेंट भी ये दे सकता है दोस्तों। तो इसलिए मैं ऐसा करने वाला हूँ, हो सकता है बदल भी सकता है दोस्तों। तो ये रखा आयरन पिकेक्स, अभी देख सकते हो वो सेम दे रहा, मतलब जो एफिशिएंसी 4 है वही दे रहा, लेकिन अभी क्या ना मेरे को लैपिस लेजुली लेकर आना पड़ेगा, उससे ही मैं एंजॉयमेंट जो है कर सकता हूँ। तो सबसे पहले लैपिस लेजुली ले लेते हैं, इसको क्या ना लैपिस लेजुली रखना पड़ेगा, उसके बाद ही ये एंजॉयमेंट जो है करेगा। तो सबसे पहले मेरा जो आयरन पिकेक्स है उसको रख दिया और लैपिस लेजुली भी रख दिया। अभी क्या ना ये 2 लैपिस लेजुली लेगा और 2 हमारा जो लेवल्स है उसको भी ले लेगा, मतलब 2 लेवल्स को ले लेगा। अभी मैं क्या ना अनब्रेकिंग 2 बन रहा है, तो अनब्रेकिंग 2 को ही बना लेते हैं दोस्तों। तो आप जैसे कि इधर देख सकते हो मैंने इस आयरन पिकेक्स को एंजॉयमेंट जो है लगा दिया अनब्रेकिंग 2 का। अभी फिर से मैं डायमंड पिकेक्स का लगाऊंगा, और आप जैसे कि इधर देख सकते हो ये सिल्क टच और एफिशिएंसी 4 ही दे रहा, फिर से वही दे रहा। तो दोस्तों अभी क्या ना मैं फिर से और एक आयरन पिकेक्स को बनाऊंगा और उसके बाद फिर से इसको एंजॉयमेंट करूंगा, ताकि क्या ना ये शायद फिर से बदल सकता है, मतलब हमको फॉर्च्यून 3 का पिकेक्स दे सकता है। तो दोस्तों उसके लिए सबसे पहले मेरे को आयरन पिकेक्स बनाना पड़ेगा, उसके बाद मैं इसको एंजॉयमेंट करूंगा। तो आयरन पिकेक्स मैंने बना लिया, अभी मैं फिर से इसको आयरन पिकेक्स को क्या ना एंजॉयमेंट करूंगा। जैसे कि आप इधर देख सकते हो एफिशिएंसी 4 और अनब्रेकिंग 1 दे रहा है इसको, लेकिन एक ही लेवल देगा और एक ही लैपिस लेजुली भी लेगा, अनब्रेकिंग 1 दे देगा दोस्तों। तो अनब्रेकिंग 1 दे रहा, तो अनब्रेकिंग 1 ही ले लेते हैं। अभी फिर से डायमंड पिकेक्स को रखने वाला हूँ। तो दोस्तों लेकिन अभी आप देख सकते हो अभी ये सिर्फ और सिर्फ फॉर्च्यून 2 दे रहा, लेकिन हमको चाहिए फॉर्च्यून 3 पिकेक्स, लेकिन उसके लिए 30 लेवल्स भी चाहिए होगा। अभी ये क्या ना फॉर्च्यून 2 पिकेक्स दे रहा, तो मेरे हिसाब से हमको फॉर्च्यून 3 का पिकेक्स चाहिए, लेकिन ये फॉर्च्यून 2 दे रहा, लेकिन उसके लिए भी ये 30 लेवल्स मांग रहा। तो अभी क्या ना मैं फिर से और एक आयरन पिकेक्स मतलब बनाऊंगा और उसको भी एंजॉयमेंट करूंगा। तो ये रखा आयरन पिकेक्स, और क्या ना इसको सिल्क टच और अनब्रेकिंग 2 और एफिशिएंसी 2 बन रहा, तो एफिशिएंसी 2 इसको मतलब जो है एंजॉयमेंट कर लेते हैं। तो इसको एंजॉयमेंट मैंने कर लिया, अभी फिर से इसको रखना पड़ेगा डायमंड पिकेक्स को। तो दोस्तों जैसे कि आप इधर देख सकते हो इधर सिर्फ और सिर्फ ये अनब्रेकिंग 3 दे रहा, कभी कभी हो सकता है हमको फॉर्च्यून 3 भी दे सकता है दोस्तों, लेकिन हमको उतना कंफर्म नहीं है कि मतलब देगा ही देगा, ऐसा नहीं है। अभी सिर्फ और सिर्फ ये अनब्रेकिंग 3 ही दे सकता है। तो अभी क्या ना मैं इसको एंजॉयमेंट नहीं करने वाला हूँ, अभी क्या ना अभी मेरे पास लेवल्स भी ज़्यादा नहीं है, तो जल्दी से जाकर मेरे को बहुत ज़्यादा लेवल्स भी लेकर आना पड़ेगा, मतलब पूरी तरीके से 30 लेवल्स होने के बाद ही मैं कुछ कर सकता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों अभी जैसे कि आप इधर देख सकते हो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 9 लेवल्स है, तो ये 9 लेवल्स एनएफ नहीं है, तो मेरे को 30 लेवल्स चाहिए, उसके बाद ही मैं एंजॉयमेंट कर सकता हूँ। तो उसके लिए मेरे को काफ़ी ज़्यादा मॉब्स को मारना पड़ेगा। तो दोस्तों अभी क्या ना मैंने एक्सपी का फॉर्म भी नहीं बनाया, तो इसके लिए मेरे को काफ़ी ज़्यादा मॉब्स को मारना पड़ेगा, तभी क्या ना मैं पूरे के पूरे 30 लेवल जो बना पाऊंगा। तो दोस्तों अभी क्या ना मॉब्स से लड़ने के लिए हमारे पास भी मतलब आर्मर वगैरह होना चाहिए, उसके बाद ही हम क्या ना बढ़िया तरीके से मतलब मॉब्स से लड़ सकते हैं। तो इसीलिए मेरे पास मतलब जो आयरन है उसको मैं क्या ना आर्मर बना लूंगा, उसके बाद मैं क्या ना जॉम्बीज से फाइट लूंगा। तो दोस्तों जैसे कि आप इधर
देख सकते हो मैं अपने घर के पास आ गया। अभी मेरे पास बहुत सारा आयरन है, मतलब जितना मैं आर्मर तो बना सकता हूँ आराम से। तो मेरा जब पास जितना भी आयरन है उन सारे आयरन को अभी ले लेते हैं। अभी मैं सबसे पहले आर्मर वगैरह बना लूँगा और बना के पहन लूँगा। अभी मैंने हेलमेट बना लिया और चेस्ट प्लेट भी बना लिया। अभी पैंट बनाऊँगा, सब एक 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 बना लूँगा, मतलब पूरे के तरीके से चार बनाना पड़ेगा। तो पूरा आर्मर जो है मैंने बना लिया, अभी जल्दी से जल्दी पहन लेता हूँ। तो दोस्तों अगर मेरे पास आर्मर नहीं होगा ना तो क्या ना उल्टा जॉम्बिस मेरे को मार देंगे, उधर क्या होना है पूरे के पूरे गलत सीन हो जाएगा और मेरे पास जितने भी लेवल्स है वो लेवल्स भी खो जाएंगे। तो इसीलिए क्या ना आर्मर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और भी मेरे पास 50 आयरन है तो मेरे को एक स्वॉर्ड भी बनाना पड़ेगा। आप देख सकते हो मेरा जो स्वॉर्ड है उसका बहुत कम हेल्थ है, मैंने बहुत ज़्यादा जानवर लोगों को मार दिया था इसीलिए स्वॉर्ड का जो हेल्थ है उसका भी कम हो गया। तो मैं एक स्वॉर्ड भी बना लेता हूँ। तो मैंने उसके लिए आयरन ले लिया, अभी जल्दी से जल्दी एक स्वॉर्ड बना देते हैं। आयरन का मैंने स्वॉर्ड भी बना लिया, अभी बाकी का जो आयरन है उसको अंदर रख देते हैं, बाद में भी हमारा जो जरूरत है पड़ेगा। तो दोस्तों अभी क्या ना हम पूरी तरीके से तैयार हो चुके हैं मतलब मॉब्स को मारने के लिए, तभी हमको बहुत ज़्यादा एक्सपी जो मिलेगा। हमको बहुत ही ज़्यादा एक्सपी का जरूरत है दोस्तों। आप देख सकते हो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 9 लेवल्स है। अभी क्या है ना मैं कुछ जानवर लोगों को भी मारने वाला हूँ, उन लोगों को जब आप मारेंगे ना तभी भी आप लोगों को जो एक्सपी है मिलेगा। तो जितना एनिमल्स को होते हैं उन सारे एनिमल्स को भी मारेंगे और रात को जॉम्बिस को भी मारेंगे दोस्तों। तो दोस्तों जैसे कि आप इधर देख सकते हो अभी क्या ना रात होने ही वाला है, अभी जॉम्बिस आएंगे। तो क्या ना मैंने कुछ जानवर लोगों को भी मारा था लेकिन फिर भी मेरे पास उतना ज़्यादा एक्सपी नहीं आ पाया, मतलब जानवर लोगों को मारने से क्या ना आप लोगों को उतना ज़्यादा एक्सपी नहीं मिलेगा। तो अभी क्या ना पूरी तरीके से रात हो चुका और मैंने आयरन का आर्मर जो है उसको भी पहन लिया। अभी मेरे को क्या ना रात होने का पूरी तरीके से रात होने का इंतजार करना पड़ेगा। और दोस्तों मैंने एक और चीज़ बोल गया, वो क्या ना मेरे को शील्ड भी बनाना पड़ेगा। क्या ना अगर स्केलेटन्स वगैरह मारेंगे ना उसमें क्या ना वो तीर से मारेंगे, उसको क्या ना मेरे पास शील्ड होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले मेरे को एक शील्ड भी बनाना पड़ेगा, जैसे कि आप इधर देख सकते हो मैंने शील्ड बना लिया था। अभी इस शील्ड को मैं इधर रखने वाला हूँ, इधर रखने से क्या नहीं ये शील्ड लेगा, जैसे कि आप इधर देख सकते हो। अभी क्या नहीं ये लेफ्ट हैंड में शील्ड ले लिया। तो दोस्तों जैसे कि आप इधर देख सकते हो अभी क्या ना पूरी तरीके से रात हो चुका और मॉब्स भी स्पॉन होना स्टार्ट हो गया है। तो जितना मॉब्स होते हैं उन सारे मॉब्स को हम मारेंगे। तो दोस्तों हमको क्या ना काफ़ी ज़्यादा मॉब्स को मारना पड़ेगा तभी हमारा जो है ना पूरी तरीके से 30 लेवल होना पड़ेगा। तो क्या ना मैं 30 लेवल होने के बाद आप लोगों से मिलता हूँ, क्योंकि इसमें क्या ना काफ़ी ज़्यादा ही टाइम लग जाएगा पूरे के पूरे 30 लेवल बनाने में, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मॉब्स को मारना पड़ेगा दोस्तों। आप देख सकते हो मैंने एक जॉम्बी को मारा तो कितना एक्सपी मेरे को मिल रहा। इन क्रीपर लोगों को मारने में थोड़ा सा दिक्कत होता है दोस्तों, क्योंकि क्या ना इन लोगों को एक मारो और फिर से पीछे जाओ और फिर से एक मारो, फिर से इन लोगों को मारना पड़ेगा। पूरे के पूरे 3 शॉट में भी मारता है दोस्तों, जैसे कि आप इधर देख सकते हो पूरे के पूरे 3 शॉट में मैंने इसको मारा। लगभग उतना तो एक्सपी नहीं मिला, मतलब थोड़ा सा एक्सपी मिल गया हमको। इसी तरीके से हमको बहुत ज़्यादा मॉब्स को मारना पड़ेगा दोस्तों। तो दोस्तों जैसे कि आप इधर देख सकते हो हमारा पूरे के पूरे 14 लेवल्स हुए हैं। मैंने काफ़ी ज़्यादा मॉब्स को मारा लेकिन सिर्फ और सिर्फ 14 लेवल्स ही हो पाए दोस्तों। तो आप समझ सकते हो पूरे के पूरे 30 लेवल्स करने में कितना ज़्यादा दिक्कत होने वाला है। तो दोस्तों जैसे कि आप इधर देख सकते हो पूरे के पूरे 31 लेवल्स मैंने बना लिया, जैसे कि आप इधर देख सकते हो। काफ़ी ज़्यादा मॉब्स को मारने के बाद आप इधर देख सकते हो मेरा जो आयरन का जो आर्मर है उसका भी हेल्थ लगभग हो चुका है पूरी तरीके से। तो बहुत ज़्यादा मेहनत लग गया दोस्तों पूरी तरीके से 31 लेवल्स जो है ना कलेक्ट करने में। तो दोस्तों मैं जल्दी से जल्दी मेरा जो डायमंड पिकेक्स है उसको जल्दी से जल्दी फॉर्चून 3 का एंजेंटमेंट लगा देता हूँ। तो मैंने डायमंड पिकेक्स को तो ले लिया दोस्तों, अभी जल्दी से जल्दी मैं फॉर्चून 3 का एंजेंटमेंट उसके ऊपर लगा देता हूँ। तो सबसे पहले इधर लगा। तो अभी क्या नहीं ये अनब्रेकिंग 3 ही दे रहा दोस्तों, कभी कभी मतलब हमको फॉर्चून 3 भी दे सकता है, मतलब ऐसा पक्का नहीं है कि फॉर्चून 3 देगा, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले बता दिया था। अभी क्या ना हमको लैपिस लेजुली की ज़रूरत है ताकि क्या ना मैं उसको एंजेंटमेंट कर सकूँ। अभी मैं सोच रहा हूँ मतलब हो सकता है तो क्या ना कभी कभी मिल भी सकता है दोस्तों, फॉर्चून 3 पिकेक्स मिल भी सकता है। तो इसीलिए मैं क्या करने वाला हूँ मतलब मेरा जो डायमंड पिकेक्स है उसको एंजेंटमेंट कर दूंगा। अगर हो सकता है तो हमको फॉर्चून 3 का भी मतलब जो एंजेंटमेंट है वो भी लग सकता है दोस्तों। तो मतलब मैं श्योर नहीं हूँ, तो हो सकता है तो हो सकता है। तो मैं क्या ना अनब्रेकिंग 3 का जो मेरे को मिल रहा तो यही ले लेते हैं, तो हो सकता है तो हमको मिल भी सकता है, हमारे पास 30 लेवल्स भी हो चुके हैं। तो दोस्त अभी क्या ना हमको थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ेगा, अगर हो सकता है तो मिल भी सकता है, अगर नहीं तो मिल भी नहीं सकता। उसके बाद हम एंजेंटमेंट नहीं कर सकते, मतलब हमारे जो पिकेक्स है इसको एंजेंटमेंट नहीं कर सकते। तो मैं क्या ना अनब्रेकिंग 3 हमको मिल रहा तो अनब्रेकिंग 3 ले लेते हैं।
अभी क्या है ना, अनब्रेकिंग 3 इसको एंजेंटमेंट कर लेते हैं दोस्तों। जो मेरा डायमंड पिकेक्स है उसको मैंने एंजेंटमेंट कर लिया, लेकिन आप इधर देख सकते हो ये सिर्फ और सिर्फ अनब्रेकिंग 3 हमको मिला दोस्तों। मतलब एकदम बेवकूफ़ बना दिया हमको तो एक टाइप का, क्योंकि उधर क्या ना वो 2 लेवल्स लेकर भी हमको अनब्रेकिंग 3 ही दे रहा और 3 लेवल्स लेकर भी हमको अनब्रेकिंग 3 ही दे रहा दोस्तों। तो मेरे को तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। अभी भी फिर से आप देख सकते हो, अभी भी फिर से फॉर्चून 3 पिकेक्स नहीं दे रहा, अभी भी ये अनब्रेकिंग 3 ही दे रहा दोस्तों। अभी हमारा जो डायमंड पिकेक्स है उसको तो हम फिर से एंजेंटमेंट नहीं कर सकते। अगर हमारे पास बुक वगैरह होगा तो एंजेंटमेंट कर सकते हैं, लेकिन अभी क्या ना मैं एंजेंटमेंट तो कर नहीं सकता हूं दोस्तों। तो अभी क्या है, मेरा जो डायमंड पिकेक्स है इसको अंदर रख देता हूं। तो दोस्तों अभी क्या ना बहुत ज़्यादा गलत हो गया, क्योंकि हमारा जो डायमंड पिकेक्स है उसको सिर्फ और सिर्फ अनब्रेकिंग 3 का ही एंजेंटमेंट इसने दिया। अभी फिर से अनब्रेकिंग 3 हमको दे रहा दोस्तों। अभी मेरे को क्या ना फिर से 30 लेवल बनाना पड़ेगा, उसके बाद ही मैं फिर से और मतलब और दूसरा एंजेंटमेंट कर सकता हूँ। तो दोस्तों जैसे कि आप इधर देख सकते हो, मैंने फिर से 30 लेवल जो है बना लिया। अभी मैं फिर से क्या ना आयरन पिकेक्स जो है ना मेरे पास है ना उसको क्या ना एंजेंटमेंट करने वाला हूँ। अनब्रेकिंग 3 मिल रहा तो अनब्रेकिंग 3 ही ले लेते हैं। अगर हो सकता है तो फॉर्चून 3 का भी एंजेंटमेंट लग सकता है दोस्तों, लेकिन मैं भी श्योर नहीं हूँ। मतलब पिछले बार की तरीके से हमको सिर्फ और सिर्फ अनब्रेकिंग 3 भी मिल सकता है, तो क्या ना इसीलिए मैं आयरन पिकेक्स को इस तरीके से एंजेंटमेंट करने वाला हूँ। हो सकता है तो हमको क्या ना फॉर्चून 3 मिल सकता है, नहीं भी मिल सकता, तो अनब्रेकिंग 3 ले लिया। तो दोस्तों जैसे कि आप इधर देख सकते हो, ये क्या ना सिर्फ और सिर्फ अनब्रेकिंग 3 ही दिया। तो दोस्तों अभी क्या ना ये मेरे को एक और बार बेवकूफ़ बना दिया, सिर्फ और सिर्फ मेरे को अनब्रेकिंग 3 ही दिया दोस्तों। अभी मेरे को क्या ना फिर से 30 लेवल बनाना पड़ेगा, उसके बाद ही मैं फिर से और एक एंजेंटमेंट वगैरह कर सकता हूँ। तो आज का वीडियो जो है हम इधर ही खत्म करते हैं दोस्तों। अगर आप लोग ये वाला वीडियो पसंद आए तो जल्दी से जाओ लाइक और शेयर करो, और आप इस चैनल में नया हो तो सब्सक्राइब कर साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करके रखना दोस्तों। तो आज का वीडियो में बस इतना ही, तो मिलता है अगले वीडियो में। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अलविदा। Like a hell cat.